फतेजों की केमिस्ट्री का हर कोई दीवाना है। ऐसे में अंकित और प्रियंका दोनों जब से घर के अंदर गए हैं, फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो है वो फतेजों वाली केमिस्ट्री देखने को मिले। हालांकि अब उडारिया सीरियल में ही इनके को एक्टर अभिषेक ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता दोस्ती से बढ़कर नहीं है। वो कहते हैं कि प्रियंका और अंकित बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो रिलेशनशिप में नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उन दोनों के ही काफ़ी क्लोज हूँ और मैं सारा दिन तो इन दोनों के आसपास ही रहता हूँ सेट पर। वो आगे कहते हैं कि हम जो है बहुत सारा समय जो है एक साथ बिताते हैं और ऑडियंस को इन दोनों की केमिस्ट्री जो है बहुत पसंद है और इसीलिए मुझे लगता है कि इनकी फ्रेंडशिप को लोग कई बार गलत समझ लेते हैं। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं दैट टाइम हैज गॉन व्हेन पीपल फेल्ट अ मैन एंड वुमेन कुड नॉट बी फ्रेंड्स। वो कहते हैं कि अब वो समय नहीं रहा जब लोग ये सोचे कि एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं, सिर्फ दो लोग एक साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। मुझे तो लगता है कि कोई भी दोस्ती किसी भी रिश्ते से ज्यादा खूबसूरत होती है। जब उनसे कहा गया प्रियंका और जो अंकित हैं वो लोगों को वैसे एंटरटेन नहीं कर पा रहे जैसी उम्मीद की गई थी उनसे, तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, हो सकता है कि वो लोग अपना टाइम ले रहे हो एडजस्ट होने में क्योंकि दोनों बहुत एनर्जेटिक हैं और हम कह सकते हैं कि वो दोनों वाकई में बिग बॉस मटीरियल हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम जो है उनको दो, उसके बाद जो है वो दोनों वाकई में बहुत अच्छा करेंगे। तो ये बात जो है कही है इनके दोस्त अभिषेक ने, उन्होंने ये दावा किया है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं। वहीं कल के एपिसोड में भी हमने देखा था कि ये दोनों अपने बॉन्ड पर बात करते हुए नजर आए थे, जिससे ये बात तो साफ थी कि शायद प्रियंका जो है वो अंकित को पसंद करती हैं, लेकिन अंकित की तरफ से दोस्ती से बढ़कर और कुछ भी नहीं।